नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बोल कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि FL-S2 मोबाइल में किसी भी ढोल की लूप्स को कैसे मैच करा सकते हैं अपने सॉन्ग को साथ में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, कभी काल क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी सॉन्ग को रिमिक्स करते हैं और उसका हार्ड पैटर्न लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे ब्रेक आता है या फिर ढोल की लूप्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ढोल की लूप्स को लेते हैं, लेकिन वो है सॉन्ग के साथ मैच नहीं होता है, ठीक है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग FL-S2 12 या फिर 20 में हम जिस तरह से यूज करते हैं सॉन्ग के साथ में, जैसे कोई भी BPM का लूप्स हो और किसी भी BPM का सॉन्ग हो उसके साथ हम लोग मैच करा लेते हैं, ठीक है। तो आज उसी तरह से हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, उसी तरह से जो है हम लोग मैच कराने वाले हैं FL-S2 मोबाइल में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले FL-S2 मोबाइल ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना होगा, और प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो क्लिप ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे माई फोल्डर और जहाँ पे आपका जो लूप्स होगा वो आप ले सकते हैं, और फिलहाल के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं एक लूप्स। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ये जो लूप्स है उसको हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से एक बार प्ले करते हैं, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कट रहा है, ठीक है, यानी ये जो ढोलकी लूप्स है वो 1 नंबर से 3 नंबर तक है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको हम दिखा देते हैं, यानी ये 2 पैटर्न में बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर से 3 नंबर तक बनाया हुआ है, यानी 2 डब्बे में, ठीक है। तो ये आपको बराबर मैच नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे BPM के हिसाब से मैच नहीं है। ये जो है 2 डब्बा यानी दूसरे नंबर से बाहर की तरफ है, यानी अंदर की तरफ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम आप सबसे पहले इसका BPM हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने 140 BPM कर लिया हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम प्ले कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये हो रहा है, यानी हम इसको खींचेंगे तो ये प्ले नहीं होगा। यहाँ पे इतना जो है एरर आ चुका है, यानी इतना जो है डब्बा में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम प्ले कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली है, यानी कुछ भी नहीं है। तो इसको हमको कैसे सेट करना होगा ताकि ये जो ये पूरा पैटर्न में काम आए, यानी पूरा डब्बे में ये काम आए, इस तरह से खाली ना रहे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ये जो डॉट दिख रहा है इस पर आपको कॉर्नर में क्लिक करना होगा और इसको ऊपर की तरफ खींच लेना होगा, ठीक है। जैसे आप खींचेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा इस पर, और आपको फिर से हम बता देते हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, और उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से छोटा कर लेना होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एक आपको बिंदु दिख रहा है, इसको आपको पकड़ के और यहाँ पर 3 नंबर तक खींच लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको 3 नंबर तक इसको खींच लेना है, ठीक है। खींचने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद यहाँ से हम प्ले करते हैं, और यहाँ पे पहले तो हमको आपको जूम करके दिखा देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये मैच हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। अब देख सकते हैं पहले तो इसके अंदर था, इसके अंदर यानी 2 नंबर डब्बे के अंदर था, लेकिन अभी ये बराबर मैच हो चुका है ये 2 नंबर पर, ठीक है। तो चलिए हम एक बार प्ले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम कितना भी खींचेंगे तो ये कभी भी मतलब कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मैं यहाँ से प्ले कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, और इसका जो BPM हम अभी भी कम बेसी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ से कम बेसी करके आपको दिखा देते हैं। तो 1 यानी यहाँ पर 128 हम BPM कर लिए, उसके बाद फिर से हम यहाँ से प्ले करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये BPM के साथ ही बज रहा है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार और भी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे 110 कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम प्ले करते हैं। उसके बाद जब इसका
प्ले होगा तो आपको सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा। अगर आप हेडफोन लगा के भी सुन रहे होंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है उसके अंदर ही है, यानी जो भी डब्बा है उसके साथ ही प्ले हो रहा है। जिस तरह से हम लोग पैटर्न क्रिएट करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना होगा। और कभी भी आप किसी भी सॉन्ग को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉन्ग हो या फिर कोई लूप्स हो या फिर कोई आपको ब्रेक हो। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद एक और भी ले लेते हैं कोई सा भी, उसके बाद आपको एक बार और भी बारीकी से हम समझा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक और भी हम ढोलकी लूप्स को ले लेते हैं। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेने के बाद इसको हम जूम कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा इसका आगे का, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इतना खाली है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो चुंबक के आइकन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे इतना दूर जितना ये खाली है। तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं, उसके बाद इसको परफेक्ट तरीके से लगा लेते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस टाइप से ये बज रहा है, तो हमको जैसे कि ये एक मान लीजिए एक ब्रेक है। ठीक है, किसी सॉन्ग में हम ये जो है ब्रेक लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, तो हमको कैसे इसको लगाना है पूरा में। तो पूरा में लगाने के लिए आपको इस टाइप से क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एक बिंदु दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करके इसको इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, जहाँ तक आपको अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको इस टाइप से खींच लेना है। उससे पहले इसको इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है, इस चुंबक को, और जितना चाहें उतना आप खींच सकते हैं। तो चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम मैच करा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको मैच करा लेना होगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऑफ करके और इतना खींच लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा है बीट बाय बीट यहाँ पे प्ले हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से ये जो है एफएल स्टूडियो मोबाइल में काम करता है। जब तक आप इसको इनेबल रखेंगे तो आपका सारा कुछ जो है सेट हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।